व्हाट्सएप चैनल कैसे हटाएं, हाउ टू डिलीट व्हाट्सएप चैनल। व्हाट्सएप चैनल का जो फीचर है आप उसको कैसे रिमूव कर सकते हैं, डिलीट करेंगे यदि आपको यूज़ नहीं करना है। जी हाँ दोस्तों, आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। एंड अभी के टाइम आप सभी चेक करो, मुझे कोई भी यहाँ पे चैनल्स की ऑप्शन नहीं आ रही। नॉर्मली मैं अपनी व्हाट्सएप की चैट पे जाता हूँ, स्टेटस पे जाता हूँ, देख लो ठीक है। मैं यही सेम प्रोसेस आपको बताने वाला हूँ कैसे आप इस चीज़ को गेट करेंगे यानी कि हटाएंगे यदि आपको ये फीचर पसंद नहीं आ रही अपनी व्हाट्सएप पर। आ रही है वैसे प्रॉब्लम नहीं, इसको फीचर करना चाहिए, बट कुछ लोग इसको एज ए प्रॉब्लम ले रहे हैं, वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो आपको क्या करना है, यदि आपको चीज़ नहीं देखने को मिली तो यदि आप अपडेट करेंगे तो आपको मिल ही जाएगी। थोड़ी देर बाद ये सभी को जो है रोल आउट हो जाएगा सभी की व्हाट्सएप पे। अब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कुछ इस तरीके से, चेक करो यहाँ पे देखने को मिल जाती है स्टेटस, चैट्स एंड कॉल। तो अब जैसे अपडेट अपना स्टेटस वाले फोल्डर पे जाएंगे तो वहाँ पे अपडेट्स का एक फोल्डर आता है, वहाँ पे आप सभी चेक करेंगे कि आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है इस तरीके से चैनल्स। अब देखो ये चैनल्स किस तरीके से आ रहे हैं, यहाँ पे एक फॉलो का बटन भी आ रहा है एंड इवन आप अपना खुद का चैनल भी बना सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे बस कुछ नहीं करना होता, प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे बन जाएगा। तो फिलहाल आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं ऑल चैनल्स आ रहे हैं, जितनी बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ हैं वो सभी ने अपना यहाँ पे चैनल बनाया हुआ है। तो अभी आपको क्या करना है दोस्तों, आप सभी यहाँ पे चेक करेंगे ये जो है काम क्या है, ये एक चीज़ क्या है जो आप समझे। ये दोस्तों आपको पता होगा कि आप अगर इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं तो वहाँ पर ये चीज़ आई थी, इंस्टाग्राम पर जैसे पेज बनता है, आपका प्रोफाइल बनता है, अकाउंट बनता है, ठीक एग्जैक्टली अब वो चीज़ भी है यहाँ आ रही है। एक्चुअली मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ बताता हूँ, ऐसा ही होता है, जितनी प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन हैं ऑनलाइन वो जो है कंपटीशन में हैं, कोई नहीं चाहता कि जितनी भी ऑडियंस है उनकी वो इधर उधर जाए, तो सारी चाह रही कि भाई मेरे पास ही आए। ठीक एग्जैक्टली अभी हुआ था, जैसे कि ट्विटर में क्या हुआ था, जो ट्विटर की जो ट्वीट वाली चीज़ है ना, वही सेम जो है यहाँ पे लाई गई थी इंस्टाग्राम के लिए, एक आई थिंक थ्रेड नाम की एप्लीकेशन इंस्टाग्राम ने लाई थी कि भाई जो ट्विटर वाली ऑडियंस है वो यहाँ आ जाए। तो यही जो है कंपटीशन चल रहा है कि भाई हम सारी चीज़ें जो है अपने एप्लीकेशन के अंदर कवर कर दें, डेट्स जितना से ज़्यादा ऑडियंस है हमारे पास आए, तो यही हो रहा है। अब देखो यहाँ पे व्हाट्सअप भी ट्राई कर रहा है कि भाई फॉलो का बटन दो, इंस्टाग्राम का ऑडियंस यहाँ ले आओ, तो ये चीज़ जो है यहाँ पे यही चल रहा है। तो ये जो है अब आप समझ गए होंगे, आधी चीज़ समझ गए होंगे अगर आप ये चीज़ समझ गए, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या है चीज़, जो इंस्टाग्राम पे जैसे फॉलो करते हो तो आपको उसका कॉन्टेंट मिलता है, उसकी चीज़ें देखने को मिलती हैं, कंज्यूमर बनते हैं आप, ठीक है। तो अब जो है वही सेम चीज़ यहाँ पे अप्लाई होने वाली है, चैनल्स पे जाएंगे तो आपको उनके जो अकाउंट मिलेंगे जो सेलिब्रिटीज लोगों ने बनाए, खुद आप भी बना सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो अब आप जैसे इनको यहाँ पे फॉलो का बटन आ रहा है, आप देखो यहाँ पे कितने सारे जो अकाउंट हैं यहाँ पे आ रहे हैं, आप जिसको भी फॉलो करेंगे ठीक एग्जैक्टली जो वो चीज़ें पोस्ट करेंगे आपको नोटिफिकेशन आएंगे, उनका कंटेंट आपके यहाँ पे चैट्स में आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। एंड इवन आप सेम यही चीज़ अपना भी बना सकते हैं, एंड फाइंड के बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखो फाइंड चैनल्स, इसके ऊपर क्लिक करके आप सर्च करके भी ढूंढ सकते हैं, यदि आप कोई पार्टिकुलर चैनल को सर्च कर रहे हैं, पार्टिकुलर पर्सन को जिसने उसका अकाउंट बनाया था, अपना खुद का बनाया था, उसका भी सर्च करके तुम ढूंढ सकते हो। तो ये देखो यहाँ पे इस तरीके से वर्क करती है। अब आप समझ गए क्या है ये जो है, ठीक एग्जैक्टली जो इंस्टाग्राम का एक समझ लो यहाँ पे कंपटीटर बोल रहे हैं लाया गया, तो ये चीज़ वैसी होने वाली है कि आप फॉलो करेंगे तो आपको उनका कंटेंट मिलेगा। अब बात आती है कि भाई इसको हटाया कैसे जाए, वो भी मैं आपको बता दूंगा। और एट गाइस, तो अब तक तो आपने ये सब जान लिया है कि ये फीचर क्या है, कैसे वर्क करती है एंड कैसे आप अपना चैनल बनाएंगे, कैसे दूसरों के चैनल आप फाइंड आउट करके उनको फॉलो कर सकते हैं, सब कुछ मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। अब बारी आती है यार भाई लोग, अगर आपको फिर भी पसंद नहीं आ रहा, नहीं चाहिए हमें ये फीचर, तो आपको क्या करना है। देखो यहाँ पे जो है दो तरीके बताऊँगा, ओनली दो मार्क ही कर सकते हैं अभी यहाँ पे तरीके, बाकी सब नहीं करेंगे। जितनी चाहे वीडियो देख लो, कोई भी तरीका काम नहीं करेगा, जो मैं आपको बताऊंगा एक जेन्युइन तरीका होगा एंड उसी का तरीका जो है वर्क करने वाला है, ठीक है, यानी कि यही तरीका काम करने वाला है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले मैं यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिखा देता हूँ भाई लोग, यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग चलाना शुरू करता हूँ, ठीक है। तो गाइस आप सभी को यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग को फॉलो करना है जो मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो आप सभी चेक कर लो भाई लोग, मुझे यहाँ पे सारी ही चैट्स देखने को मिल जाती हैं, स्टेटस पे जाता हूँ, मुझे स्टेटस शो कर रहे हैं जिन लोगों ने स्टेटस डाले हुए हैं, बट मुझे ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा जहाँ पे चैनल्स लिखा हुआ। तो मैंने यहाँ पे इस चीज़ को हटाया क्योंकि मुझे पसंद नहीं आ रहा था, तो यहाँ पे मैं एक स्क्रीनशॉट ले लिया हूँ, ठीक है। तो अब मैं आपको यहाँ पे जेन्युइन तरीका बताता हूँ। एक्चुअली कैसे जो अपडेट आया है व्हाट्सएप पे, उसके बाद ही आपको ये वाली ऑप्शन दी गई है। देखो कोई भी अपडेट आती है, ये हर एक चीज़ का रीज़न होता है। तो अभी आपको क्या करना है, इस तरीके से मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ व्हाट्सएप, प्ले स्टोर को ओपन करूँगा एंड आपको यहाँ पे टाइप करके दिखाता हूँ। ये देखो यहाँ पे व्हाट्सएप को ओपन कर लिया है एंड यहाँ पे चेक करो मैं जो है अभी अपडेट कौन सा यूज़ कर रहा हूँ, आपको मैं दिखाता हूँ अपडेट के बाद आई है प्रॉब्लम। तो अभी मैं ना इस एप्लीकेशन की अबाउट दिस ऐप पे चले जाता हूँ व्हाट्सएप की, एंड यहाँ पे देखो इसका वर्जन है 2.23.17, ठीक है, ये इसका अपडेटेड वर्जन है। अब जो अपडेट आया ना उसके बाद दोस्तों इसका वर्जन जो है चेंज हो चुका है, यहाँ पे 3.23 हो चुका है, फिर 2.24 इसका चेंज हो चुका है वर्जन। तो आपको क्या करना है, जो यहाँ पे मैं आपको एरो शो कर रहा हूँ यही सेम वर्जन जाके आपको क्रोम ब्राउजर से डाउनलोड करना है, कोई भी आपको नहीं बताएगा। आपको क्या करना है मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ, ये जो वर्जन था इसका नेम 2.23 था, ठीक है। तो आप सभी जाना क्रोम ब्राउजर ओपन करो, गूगल ओपन करो, ये वाला व्हाट्सअप हटा दो, डिलीट कर दो। आप जाओ क्रोम पे, वहाँ पे लिखो व्हाट्सअप ओल्ड वर्जन या फिर लिख दो व्हाट्सअप ओल्ड वर्जन ऑल, आपको सारी लिस्ट आ जाएगी,
सारी ही वर्जन की लिस्ट आ जाएगी। आप क्या करना, 2.23 ये वाला डाउनलोड कर लेना, जो मैंने आपको एरो शो किया हुआ है ये वाला वर्जन जो है डाउनलोड कर लेना। वहाँ पर वर्जन आएंगे, ये वाला डाउनलोड कर लोगे ना, इसमें आपको कोई भी चैनल वाली दिक्कत आएगी नहीं। फिलहाल मैं आपको बताता हूँ यही एक तरीका है। दूसरा ये है कि आप इसको ऐसे ही यूज़ करो, क्योंकि ये जो है एक अपडेट होते हैं एंड व्हाट्सअप यार बाद में हटा देता है जब लोगों को पसंद नहीं आती है। फिलहाल ये जो है ट्राई किया जाता है, तो ये वैसे यहाँ पे आप नहीं हटा पाओगे। यही तरीका है कि आप वर्जन जो है पुराना शिफ्ट हो जाओ, वहाँ पे आप ये चीज़ नहीं देख पाओगे, इसको हटा दोगे एक तरीके से। आशा करता हूँ मैंने आपको बहुत ही डिटेल में बताया। बाकी और एक नेक्स्ट वीडियो डाल दूंगा, अगर आप डिमांड करते हैं जेनुइन तरीका तो वो भी आप मेरे से ले सकते हैं। चैनल को यार सब्सक्राइब कर लो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस।